बाल विवाह रोकथाम के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के द्वारा विशेष अभियान का शुभारंभ एमआईए स्थित आईटी कॉलेज में किया गया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर की गई। एमआईए स्थित आईटी कॉलेज में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल विवाह रोके जाने की दिशा में चलाए जाने वाले विशेष अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री एस के जैन, सदस्य सचिव राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश अशोक कुमार व्यास थे। इस दौरान एडीएम द्वितीय बीएल रमन, एएसपी मूल सिंह राणा, सनराइज यूनिवर्सिटी के निदेशक दीप कमल अग्रवाल और मंजू अग्रवाल मौजूद रहे। एक अप्रैल से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बाल विवाह रोकने की दिशा में कई प्रभावी निर्णय लिए गए। साथ ही वहां उपस्थित पंडितों और मौलवियों ने बाल विवाह को एक सामाजिक कुरीति मानते हुए बाल विवाह नहीं कराने की शपथ ली। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव दिनेश कुमार जलुथरिया ने बताया कि बाल विवाह कराने वालों पर आपराधिक जुर्म के तहत सख्त कार्यवाही किए जाने के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम खोला जाएगा और इसमें पकड़े गए अपराधियों को 2 साल की सजा का प्रावधान है और 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं बाल विवाह कराने वाले पंडित, मौलवी, साथी, शादी का कार्ड छापने वाले, टेंट वाले, हलवाई और फोटोग्राफर से सभी इसमें सहभागी के तौर पर आरोपी माने जाएंगे। इस दौरान पूर्णकालिक सचिव दिनेश कुमार जलुथूरिया द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन भी किया गया। कठोर प्रावधान, जैसे बाल विवाह कराने वाले जो अभिभावक है उनके लिए किए गए 2 वर्ष का कारावास और 1,00,000 रुपए के जुर्माने के दंड से दंडित किए जाने के प्रावधान। इस जो अभिभावक जो ऐसे बच्चों का बाल विवाह कराते हैं उनके लिए दंडात्मक के प्रावधान किए गए कानून में। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति जो उस बाल विवाह के अंदर बाराती है, मतलब जो लड़की के पक्ष के हैं, जो बाराती हैं, जो लड़के के पक्ष के हैं, जो कार्ड छापने वाला है, जो रसोई बनाने वाला है, जो बैंड वाला बजाने वाला है, टेंट वाला है, और यहां तक कि जो बाल विवाह संपन्न करा रहे हैं पंडित है, मौलवी है, उन सबके लिए भी कानून में वही दंड से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। जो उस अभिभावक को, जो बाल विवाह कराने वाले बच्चों के अभिभावक हो, उनके लिए जो दंडित किए जाने का प्रावधान है, अर्थात 2 वर्ष का कारावास और 1,00,000 रुपए के दंड से दंडित किए जाने का प्रावधान ऐसे लोगों के लिए भी किया गया है। उधर ओसवाल जैन स्कूल माध्यमिक विद्यालय में आम जन में बाल विवाह रोकने को लेकर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एस के जैन एवं जिला जज अशोक कुमार व्यास ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली शहर के मुख्य बाजारों से होती हुई वापस ओसवाल स्कूल पहुंची। इस दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव दिनेश कुमार जलुथूरिया और स्कूल स्टाफ मौजूद रहे। जिला विधिक एवं सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव दिनेश कुमार जलुथूरिया ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर बाल विवाह रोकने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ रैली के माध्यम से किया गया है। इस रैली का उद्देश्य आम जन में बाल विवाह रोकने को लेकर जागरूकता पैदा की जाए, जिससे कि बच्चियों के स्वास्थ्य के प्रति कोई खिलवाड़ न हो सके। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा एक विशेष कैंपेन चलाया जा रहा है, बाल विवाह रोको अभियान। रैली का उद्देश्य आम जन तक यह पहुंचाना है ताकि बाल विवाह रोके। बाल विवाह रुकेगा तो बच्चियां भी जो हैं उनके किसी भी तरीके से बच्चियों के स्वास्थ्य के प्रति जो है हम खिलवाड़ नहीं कर पाए, ऐसा बाल विवाह रोकने का मुख्य अभियान जो है आज इस रैली के रूप में आगाज किया गया है।